भैया ये सच में 400 रुपए की शर्ट है? तो शर्ट वाला भाई होता है ना, वो बोलता है हाँ सच में 400 रुपए की शर्ट है। इसके शरीर पर ना हल्के हल्के छेद हुए हुए हैं। अजीब सा रात को भौंकना स्टार्ट कर देता है, जोर जोर से भौंक रहा है। इसको राहुल को समझ में नहीं आता कि ऐसे कैसे हो सकता है यार, लाइट भी चालू है, मैं भी जाग रहा हूँ, ये भौंक क्यों रहा है? वो ऐसा भौंक रहा है कि जैसे किसी को देखकर वो भौंक रहा है, लेकिन राहुल को कुछ भी नजर नहीं आता है। राहुल पूरा रूम देखता है, बाथरूम भी चेक कर लेता है। बेड पर जैसे ही गया ना, तो इसको ऐसा लगता है कि जैसे कोई इसके बेड पर ना आजू बाजू घूम रहा है। कोई औरत है जिसकी एकदम सफेद सफेद आंखें हैं, वो सर से पांव तक उसने सफेद कपड़ा पहना हुआ है, उसके सर पर भी कुछ सफेद कपड़ा है, पूरा उसका जो चेहरा है एकदम ब्लैक है। हेलो दोस्तों, मेरा नाम अमन है। मैं आप सभी के मनपसंद यूट्यूब चैनल कहानी रंगमंच में आपका स्वागत करती हूं। उम्मीद करती हूं कि आप सभी अच्छे और स्वस्थ होंगे। इसी तरह की वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हां बेल आइकन को दबाना मत भूलना, ताकि आपको आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का भयानक किस्सा। दोस्तों आज का जो किस्सा है ये पूना का किस्सा है। ये आज से 10 साल पुराना किस्सा है। यहाँ पर ना एक फैमिली रहती है जिसमें हस्बैंड वाइफ और उनका एक बेटा रहता है। इसका नाम राहुल है। राहुल की उम्र 17 साल की है। राहुल का एक दोस्त है जो कि इनकी गली में रहता है, इसकी उम्र 23 साल की है। इसका नाम विजय है। विजय ना एक कंपनी में काम करता है। विजय को ना मुंबई में कुछ काम था, तो वो क्या करता है मुंबई जाता है। उसके साथ राहुल भी जाता है, क्योंकि राहुल ने कभी भी मुंबई घूमा होता तो उसका बहुत दिल होता है कि मुझे मुंबई घूमना है। तो राहुल क्या करता है विजय के साथ ना मुंबई घूमने के लिए जाता है। कुछ ही दिनों में विजय अपना कंपनी का जो भी काम होता है ना निपटा लेता है, और 2-3 दिन ना ये लोग क्या करते हैं मुंबई की बहुत ही ज्यादा फेमस जगह पे जाते हैं, जैसे कि गेट ऑफ इंडिया जाते हैं, वर्ली सी हाउस जाते हैं, जू और चौपाटी में जाते हैं, और भी बहुत सारी जगह पर जाते हैं। इन लोगों को बड़ा मजा आता है घूमने में। अब ना ये क्या करते हैं फैशन स्ट्रीट में जाते हैं, वहाँ पर इन लोगों को ना बहुत ही अच्छे मस्त कपड़े मिलते हैं, खूब सारी शॉपिंग करते हैं और वापस ना होटल में आ जाते हैं। जो राहुल होता है उसका मन नहीं भरता, उसको और होता है कि यार हाँ फैशन स्ट्रीट जो है ना मस्त है, मुझे एक बार फिर से जाना चाहिए। ये क्या करते हैं घर जाने से पहले ना एक बार फिर से फैशन स्ट्रीट जाते हैं। ये लोग फैशन स्ट्रीट घूम रहे होते हैं तो राहुल को ना एक व्यक्ति दिखता है जो कि काफ़ी मोटा खट्टा कट्टा व्यक्ति है और देखने में थोड़ा सा काला है, और ना वो 40 रुपये की शर्ट बेच रहा है। जैसे ही राहुल पढ़ता है ना 40 रुपए की शर्ट, वो राहुल बहुत खुश हो जाता है, फटाफट उस व्यक्ति के पास जाता है। राहुल के जो कदम है ना वो रुक ही नहीं रहे हैं, ऑटोमेटिक उसके जो कदम है ना चल रहे हैं उस शर्ट की ओर। फटाफट जाता है और वो पूछता है भैया ये सच में 40 रुपए की शर्ट है? तो शर्ट वाला भाई होता है ना, वो बोलता है हाँ सच में 40 रुपए की शर्ट है। तो राहुल शर्ट देखता है, शर्ट का कपड़ा एकदम मजबूत होता है, अच्छी से सिलाई की होती है, और किसी भी तरह का शर्ट के ऊपर कोई भी दाग धब्बा नहीं होता, मस्त साफ सुथरी अच्छी शर्ट होती है। तो राहुल क्या करता है फटाफट अपनी जेब से ना 40 रुपया निकालता है और वो शर्ट को ले लेता है। इतनी अच्छी शर्ट, इतनी सस्ती शर्ट खरीद के ना राहुल बहुत खुश होता है। ये लोग क्या करते हैं अपना होटल से चेकआउट करते हैं और सीधा घर पर आ जाते हैं। रात का वक्त होता है, राहुल खाना पीना खाकर ना सो जाता है। सोते सोते ना इसको बहुत ही ज्यादा भयंकर डरावने सपने आते हैं, बड़ी अजीब सी इसको बेचैनी लग जाती है, सो नहीं पा रहा होता है, उठ जाता है, बहुत पसीने पसीने होता है। सुबह होती है, ये क्या करता है मस्त शर्ट को ना इस्त्री करता है और ना कॉलेज पहनकर जाता है। बहुत खुश होता है 40 रुपए की शर्ट पहनकर, किसी को भी पता नहीं होता कि 40 रुपए की शर्ट है। दोस्त भी इसकी शर्ट को देखकर बहुत तारीफ करते हैं, यार बड़ी अच्छी तेरे पे शर्ट लग रही है। तो ये भी बड़ा खुश होता है, घर पर आता है। जैसे ही इसने घर पर आके अपनी शर्ट निकाली ना, तो ये देखता कि इसके शरीर पर ना हल्के हल्के छेद हुए हुए हैं। इसको बड़ा अजीब लगता है, ये मिरर में बहुत ध्यान से देखता है, ऐसे कैसे छेद हो गए इसको समझ में नहीं आता है। इसके शरीर पर जैसे हल्के हल्के दाने नहीं हो जाते, या फिर कोई मधुमक्खी वगैरह काट लेती है तो कैसे होल पड़ जाते हैं, वैसे इसके शरीर पर हल्के हल्के छेद हुए हुए हैं। तो इसको ऐसा होता है कहीं ये शर्ट की एलर्जी तो नहीं है। फिर ये सोचता है ऐसे कैसे हो सकता है यार, नई शर्ट है, अच्छे से मैंने इस्त्री वगैरह की है, तो ऐसे कैसे एलर्जी
हो सकती है। चलो कोई बात नहीं, देखता हूँ, सब अच्छे से नहा लेता हूँ और बाद में देखता हूँ, अगर नहीं ठीक हुआ तो मैं डॉक्टर के पास चला जाऊँगा। अच्छे से नहाता है, अभी ये अपना खाना वगैरह खाता है और पढ़ाई करने लग जाता है। एग्ज़ाम नज़दीक आ रहे हैं ना, तो ये रात के 1 बजे तक पढ़ रहा होता है। राहुल का ना एक डॉगी है, इसका नाम रॉकी है। रॉकी जो होता है ना, अजीब सा रात को भौंकना स्टार्ट कर देता है, जोर जोर से भौंक रहा है। इसको राहुल को समझ में नहीं आता कि ऐसे कैसे हो सकता है यार, लाइट भी चालू है, मैं भी जाग रहा हूँ, ये भौंक क्यों रहा है? कभी ये इस कोने में भौंक रहा है इसी के रूम में, कभी दूसरे कोने में भौंक रहा है। वो ऐसा भौंक रहा है कि जैसे किसी को देखकर वो भौंक रहा है, लेकिन राहुल को कुछ भी नज़र नहीं आता है। राहुल पूरा रूम देखता है, बाथरूम भी चेक कर लेता है कि भाई क्या है, कोई चूहा वगैरह तो नहीं है, कौन सी चीज़ है जिसको ये देखकर बार बार भौंक रहा है, लेकिन राहुल को कुछ भी नज़र नहीं आता है। राहुल को बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होता है पढ़ाई करने में, क्योंकि जो रॉकी होता है ना, जोर जोर से भौंकना स्टार्ट कर देता है। फाइनली रॉकी क्या करता है, दरवाजे के पास जाता है। राहुल का दरवाज़ा बंद होता है, अंदर से लॉक होता है, तो रॉकी क्या करता है, ऐसे ना अपने हाथों से रूम को छेदने लग जाता है, दरवाजे को छेदने लग जाता है, छेदता जाता है। राहुल उसको गुस्से में बोलता है, क्या कर रहा है, पागल हो गया क्या, चल उधर जाके बैठ, ये क्या है, कोई दरवाजा नहीं खोलना है, चुपचाप सो जा, ऐसे ना ये गुस्सा करता है। थोड़े ही टाइम के बाद ना इसका दरवाजा ठक 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 करके खटखटाना शुरू हो जाता है। राहुल दरवाजा खोलता है तो देखता है कि इसकी जो मम्मी है दरवाजा खटखटा रही थी। तो राहुल अपनी मम्मी को बोलता है, क्या हुआ मम्मा? तो उसकी मम्मा बोलती है, क्या बेटा इतना शोर लगा के रखा है, कितनी आवाज कर रहे हो, तुम्हारे पापा की नींद भी खराब होगी, मेरी भी नींद खराब होगी, सुबह तेरे पापा को ऑफिस जाना है, कितना भौंक रहा है ये। तो राहुल जो होता है ना, वो बोलता है, पता नहीं मम्मी ये रॉकी को क्या हो गया। जैसे ही उसने बोला ना पता नहीं मम्मी ये रॉकी को क्या हो गया, अपनी उंगली की ना, तो राहुल देखता है ये जो रॉकी है ना, वो मम्मी के पीछे छुप गया है और इसको ना चुपके से देख रहा है, ऐसे ऐसे चुपके से देख रहा है। इसको बड़ा अजीब लग रहा है कि रॉकी ऐसी कैसी हरकतें कर रहा है। आज कुछ जो रॉकी है ना, उसकी नेचर है अलग ही हुई हुई है। तो उसकी मम्मी बोलती है राहुल की, बेटा ऐसा कर, तू सो जा, काफ़ी रात हो गई है, सुबह जल्दी उठ के पढ़ लेना, हाँ आराम कर। तो ये बोलता है ठीक है मम्मा। अब ना राहुल जो होता है सोने के लिए अपने बेड पर जाता है। बेड पर जैसे ही गया ना, तो इसको ऐसा लगता है कि जैसे कोई इसके बेड पर ना आजू बाजू घूम रहा है। ये अपनी आँखें खोलता है, आँखें खोलने के बाद ये देखता है कि कोई औरत है जिसकी एकदम सफ़ेद सफ़ेद आँखें हैं, वो सर से पाँव तक उसने सफ़ेद कपड़ा पहना हुआ है, उसके सर पर भी कुछ सफ़ेद कपड़ा है, पूरा उसका जो चेहरा है एकदम ब्लैक है, लेकिन उसके जो चेहरे पर उसकी सफ़ेद सफ़ेद आँखें चमक रही हैं और बीच बीच में जो औरत है ना वो हंस रही है, तो उसको ना इसके दांत ही नज़र आ रहे हैं। वो जो औरत है कंटिन्यू इसके ना बेड का चक्कर लगा रही है। ये देखकर राहुल को भी चक्कर आने लग जाते हैं, पूरा वो पसीने पसीने हैं, बहुत ज़्यादा घबरा जाता है। वो जो औरत है ना, अब धीरे धीरे क्या है, हंसना स्टार्ट करती है, जोर जोर से हंसती है। वो जो औरत है ना, अपना हाथ राहुल की गर्दन पर रखती है और जोर से दबाना स्टार्ट कर देती है। राहुल बहुत ज़्यादा घबरा जाता है, टेंशन में आ जाता है, वो ना अपने आप को बहुत बचाने की कोशिश करता है। राहुल को ऐसा लगता है कि जैसे उसकी जान आज तो पक्का गई, उसकी आंखें जो होती है ना पूरी चढ़ जाती है, उसको सांस नहीं मिल रही होती। राहुल क्या करता है, बहुत हिम्मत जुटाता है और दाड़ देने उसका हाथ दूर फेंकता है। जैसे उसका हाथ दूर जैसे झटका मारा ना, वैसे ही वो जो औरत थी ना धुएं की तरह इसके रूम से किधर चली गई इसको पता नहीं है। ये जोर से चीख मारता है, बोलता है मम्मा। ऐसे जब ये जोर से बोला ना मम्मा, इसके मम्मी डैडी फटाफट इसके रूम में आते हैं और पूछते हैं कि क्या हुआ है। ये पूरी घटना जो अपने साथ हुई होती है ना, अपने मम्मी डैडी को बताता है, तो इसके मम्मी डैडी भी बड़े टेंशन में आ जाते हैं। तो इसकी मम्मी ना इसके ऊपर प्रार्थना करनी स्टार्ट कर देती है, प्रार्थना तो कर देती है। अपनी मम्मी को बोलता है, मम्मी मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा है, मुझे बहुत ज़्यादा बेचैनी हो रही है, मुझे टेंशन हो रही है, मुझे इस रूम में ना अजीब सी घबराहट हो रही है, मैं ऐसा करता हूँ हॉल में जाके सो जाता हूँ। तो इसकी मम्मी बोलती है ठीक है बेटा। अब ना ये हॉल में जाता है और इसके मम्मी डैडी जो होते हैं अपने रूम में सोने के लिए चले जाते हैं। ये हॉल में सोफे पर लेटा हुआ होता है, तो इसको ऐसा लगता है इसकी ना नज़रों के सामने कर्टन होता है, तो जो इसको ऐसा लगता है कि कर्टन के पीछे कोई छुपा हुआ है और ऐसे कोई गोल 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 घूम रहा है। ये बहुत ज़्यादा घबरा जाता है, फट से लाइट ऑन करता है। जैसे लाइट ऑन की गई ना, तो इसको कुछ भी नज़र नहीं आता है। ये फिर से अपने मम्मी डैडी को उठाता है
और पूरी घटना के बारे में बताता है। तो इसके मम्मी डैडी इसके साथ ना पूरी रात जागते हैं। जागने के बाद जैसे ही सुबह होती है इसकी आँख लगती है। पूरा परिवार जब ये सोता है राहुल ना, तो इसके मम्मी डैडी भी सो जाते हैं। जब 9-10 बजे का टाइम होता है तो इसके मम्मी डैडी इसको उठाते हैं तो देखते कि राहुल को बहुत ज़्यादा बुखार आ गया है। इसका पूरा शरीर जो होता है ना बुखार में तप रहा होता है। ये इसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब होती है। डॉक्टर को घर पर बुलाया जाता है। ठंडे पानी की पट्टियाँ भी इसके सर पर लगाई जाती हैं। काफ़ी टाइम ये प्रोसीजर किया जाता है। राहुल का जो बुखार है ना वो उतरने का नाम ही नहीं ले रहा है। तो फाइनली फिर से डॉक्टर को बुलाया जाता है तो डॉक्टर बोलता है कि इसको तो एडमिट करना पड़ेगा। ये बुखार के मारे ना थर 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 काँप रहा होता है। इसकी आँखों की जो पुतलियाँ पूरी चढ़ जाती है। अब इसको एडमिट किया जाता है। जैसे हॉस्पिटल में जाता है ना ये बेहोश हो जाता है। 3 दिन के बाद जब इसको होश आता है ना ये देखता है कि इसकी जो मम्मी है इसके सर के पास बैठी है। जैसे इसको होश आता है ना इसकी मम्मी की तो ना खुशी के मारे आँखों से रोने की धारा निकल जाती है। थर 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 वो रो रही है और इसको गले लगाती है कि शुक्र है बेटा तेरे को होश आ गया, शुक्र है बेटा तेरे को होश आ गया। तो इसकी मम्मी को ये ऐसे रोते हुए देखता है ना तो मम्मी को बोलता है मम्मा मैं ठीक हूँ, अब रोइए मत, मैं अच्छा खासा हूँ। तो इसकी मम्मी बहुत खुश होती है। ये ना अपने चारों ओर देखता है। इसके बेड पर ना बहुत सारी भगवान की तस्वीरें होती हैं और ये देखता है कि इसके शरीर पर ना राख भी मली हुई होती है। तो ये बोलता है मम्मा ये क्या है? तो इसकी मम्मी बोलती है तेरे को सब कुछ बताऊंगी। अब ये फटाफट पहले तो डॉक्टर को बुलाया जाता है। डॉक्टर आते हैं पूरी चेकिंग करते हैं तो डॉक्टर बोलते हैं ये अच्छे से ठीक हो गया है, अब इसको आप लोग घर पर लेकर जा सकते हो। इसको घर पर लेकर जाते हैं तो इसकी मम्मी बोलती है बेटा ये जो मैं पूजा कर रही थी ना उसकी भभूति तेरे को लगाई थी, ये तो अच्छे से ठीक हो जाए। तो अब राहुल जो होता है घर पर आ गया तो लोगों का आना जाना बहुत रहता है। काफ़ी रिश्तेदार इसको मिलने के लिए आते हैं। राहुल का जो एक मामा होता है ना वो भी इसको मिलने के लिए आता है। तो वो पूछता है राहुल को कि तुमने मुंबई में क्या क्या किया था। तो राहुल जो होता है ना पूरी बात बताता है कि हम लोग यहाँ पर घूमने के लिए गए, शॉपिंग की, मैंने ये कपड़े खरीदे थे। तो जब इसके मामा को पता चलता है ना कि इसने 40 रुपये का एक सफ़ेद शर्ट खरीदा है ना, तो इसके मामा ना अपना माथा पकड़ कर बैठ जाते हैं। इसके मामा इसको बताते हैं कि ये जो कपड़ा तूने खरीदा है ना वहाँ पर लोग क्या करते हैं, जो लोग मुर्दे होते हैं ना उनके ऊपर कफन चढ़ाया जाता है। तो इन लोगों का कॉन्ट्रैक्ट ना ऐसे कब्रिस्तान और शमशान वाले लोगों से होता है। यहाँ तक कि ये हॉस्पिटल वाले लोगों से भी ये कपड़ा खरीदते हैं। ये बात सुनकर ना राहुल बहुत ज़्यादा घबरा जाता है, टेंशन में आ जाता है। राहुल क्या करता है फटाफट उस शर्ट को लेता है और आंगन में ना जला डालता है। जलाने के बाद ना अब राहुल को और फिर से बुखार आना स्टार्ट हो जाता है। तो इसके जो मामा जी होते हैं ना वो एक झाड़ फूक वाले को लेकर आते हैं। जैसे ही राहुल के ऊपर झाड़ फूक किया जाता है ना तो राहुल को अपने आप में बहुत हल्का महसूस होता है। इसका जो बुखार होता है झट से निकल जाता है और राहुल के शरीर के ऊपर मैंने आपको बताया था ना कि छेद हुए होते हैं। पूरी जो एलर्जी थी ना फट से निकल जाती है, पूरी बॉडी एकदम नॉर्मल हो जाती है। ये देखकर ना राहुल बहुत ज़्यादा खुश होता है, पूरे परिवार के लोग भी खुश हो जाते हैं। और उस दिन के बाद राहुल ने अपने कानों को हाथ लगा लिया, वो कभी भी ऐसे किसी भी जगह से कपड़ा नहीं खरीदता है जो कि सस्ता हो। तो दोस्तों मेरा मानना ये है, मुझे ना किसी बहुत ही खास व्यक्ति ने बोला था कि महंगा रोए एक बार और सस्ता रोए बार बार, और हद से ज़्यादा अगर कुछ सस्ता है ना तो दया कुछ तो गड़बड़ है। तो आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे और एक भयानक किस्से के साथ। तब तक के लिए शालोम, शांति और सलाम।